औरत को पटाते समय पांच गलतियां ना करें। दोस्तों, जब भी आप किसी औरत को पटाने जाए तो इन गलतियों को कभी मत करना। जो पहली गलती है वह है कि आप किसी भी औरत को या किसी भी लड़की से बातें करते वक्त उसे घूरो मत। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर पुरुषों में यह गंदी आदत होती है। जब भी वह किसी औरत के साथ या लड़की के साथ बात करते हैं तो जो औरत या लड़की है उनके पूरे बॉडी को देखते रहते हैं, उनके बॉडी को घूरते रहते हैं, और यह सबसे बड़ी गंदी आदत है। जब आप किसी औरत से या लड़की से बात करने जाते हो उसके बॉडी पार्ट्स को घूरते क्यों रहते हो? जब आप उसके बॉडी पार्ट्स को घूरते हो तो लड़की को या औरत को अच्छा नहीं लगता, वो आपसे बात करने में अनकंफर्टेबल फील करती है, यानी कि लड़की आपसे बातें करने में हिचकिचाती है, कतराती है। पहली मुलाकात में ही लड़की आपके बारे में एक गलत राय कायम कर लेती है, वो आपको गंदे लड़कों के कैटेगरी में शामिल कर देती है और कभी भी आपसे दोस्ती नहीं करती। आपको लड़की से बातें करते वक्त सिर्फ उनके आँखों में देखकर बातें करना चाहिए, इससे लड़की भी बात करने में कंफर्टेबल महसूस करती है। इसीलिए दोस्तों, आप जब भी लड़की से बातें करें तो उनके बॉडी पार्ट्स को घूरने की गलती कभी ना करें। जो दूसरे प्रकार की गलती है वह है पुरानी बातों के बारे में पूछताछ करना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब भी आप किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ बातें करते हैं उसके पास्ट के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ तुम्हारा संबंध कैसा था, उनसे तुम्हारा संबंध कैसे टूटा, तुमने उनको धोखा क्यों दिया, ये सब पूछना एक गंदी आदत है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप किसी औरत से या लड़की से उसके पुरानी संबंधों के बारे में सवाल करते हो तो सामने वाली औरत को या लड़की को अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की जो गलती है वह है कि बातों बातों में लड़की को टच करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत पुरुषों को यह गंदी आदत होती है कि जब भी वह किसी औरत के साथ या लड़की के साथ बात करते हैं तो बातों ही बातों में उनको टच करने की गलती करते हैं, जो कि बहुत गंदी आदत है। जब आप किसी लड़की से बातें करते हो और बातें करते करते उन्हें टच करते हो, ये आदत लड़कियों को और औरतों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब भी आप किसी औरत से या लड़की से बात करते हो तो बिना उनकी इजाज़त के उन्हें टच नहीं करना चाहिए। जो चौथे प्रकार की गलती है वह है नकारात्मक बातें करना। दोस्तों, बहुत से पुरुषों में यह गंदी आदत होती है, जब वह किसी लड़की से या औरत से दोस्ती कर लेते हैं तो उनसे बातें करते करते वो नकारात्मक उदासी भरी बातें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी उदासी भरी बातें सुनकर औरत मुझसे हमदर्दी दिखाएगी और उस औरत को मुझसे प्यार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। औरतें भी खुश रहना चाहती है। दुनिया में हर किसी को खुशी ही चाहिए होता है, और आप अगर औरत के सामने उदासी भरी बातें करोगे तो वो उदास हो जाएगी, फिर वो आपसे कभी भी बातें नहीं करेगी। तो दोस्तों, किसी भी लड़की से बातें करते वक्त उनसे नकारात्मक उदासी भरी बातें करने की गलती ना करें। जो पांचवें प्रकार की गलती है वह है दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करना। दोस्तों, ज़्यादातर पुरुषों के अंदर ये एक घटिया आदत होती है कि जब भी वह लड़कियों से या औरतों से बातें करती है तो पुरुष बातों बातों में शो ऑफ करना शुरू कर देती है, जैसे कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बहुत पैसा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि औरतों को ज़्यादातर शो ऑफ करने वाले पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसलिए आप किसी भी औरत या किसी भी लड़की के सामने ज़रूरत से ज़्यादा शो ऑफ करोगे तो वो आपसे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करेगी।